أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم علمنا الكتاب والحكمة وفقهنا في الدين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سامعين ومشاهدين الكرام सूरत अल अनआम के दूसरे रुकू की आयात इस वक्त तिलावत की गई है। सिलसिले दर्स में साबका आयात के जो मजामीन थे वो तौहीद और रिसालत के इस बात पर मबनी थे जिसमें तौहीद के हवाले से मुख्तलिफ दलाइल दिए गए थे और रिसालत को साबित करने के लिए मुनकिरीन हक के सामने मुख्तलिफ दलाइल दिए गए थे और इसके साथ साथ मुनकिरीन हक की हट धर्मी और उनके एतराजात और उनके मुतालबात का भी जवाब दिया गया था और अखीर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया और ये वाजह किया गया कि दावत हक का एक अहम तरीन कानून यह है, एक सुन्नत यह रही है कि जिसने भी इस हक के पैगाम को पेश किया, जो भी नबी इस दुनिया के अंदर आया, लोगों ने उसकी तकजीब की, उसका इस्तेहजा किया, उसका मजाक उड़ाया और वो नबी वो रसूल उस मजाक के बावजूद, उस तकजीब के बावजूद इस्तिकामत का पहाड़ बना रहा और वो अपनी दावत के सफर में मुस्तकिल आगे ही बढ़ता रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देकर ये बताया गया कि इस राह की सुन्नत ही यही है कि इसमें इस्तेहजा, मजाक और रुकावटें आती रहेंगी लेकिन आप आगे बढ़ते रहिए। अब उसके बाद मुशरिकीन को, मुनकिरीन हक को एक अहम दलील दी जा रही है। कुछ दलाइल ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक अकल से होता है, कुछ दलाइल ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक मुशाहदात से होता है। इंसान अपनी आंखों से किसी चीज को देख ले, मुशाहिदा कर ले, तो कुरान पाक ने हर तरह के दलाइल दिए हैं। जो लॉजिक दिया है कुरान पाक ने उसमें दलाइल अकली भी हैं, फित्री भी हैं, कायनाती भी हैं
और इसी के साथ साथ मुशाहदाती भी हैं, तारीखी भी हैं। कुरान पाक हर तरह के दलाइल देकर इत्माम हुज्जत करना चाहता है, दलील को बिल्कुल वाजह करना चाहता है। और कुरान पाक बजात खुद एक बुरहान है, एक वाजह दलील है, जो लोगों के सामने अल्लाह तबारक व तआला का एक मौजजा है, जिसके बाद किसी और मौजजे की, किसी और दलील की कोई जरूरत बाकी नहीं रहती है। कुरान पाक दलाइल से भरी हुई किताब है, लिहाजा कुरान पाक यहां मुनकिरीन हक को एक अहम तारीखी दलील की जानिब मुतवज्जह करता है कि जरा अपने माजी को भी देख लीजिए, गुज़िश्ता अक़वाम को भी देख लीजिए। और यहां अहले मक्का को बतौर खास ये बात कही जा रही है, कुल सीरू फिल अर्द, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे बतला दीजिए, इनको बता दीजिए आप के सीरू फिल अर्द, जमीन में चल फिर कर जरा देख लो, जमीन में सैर कर लो, जमीन में चलो। और सैर का लफ्ज यहां तफरीह के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है कि इंसान दुनिया के अंदर सैर व तफरीह इसलिए करे, उसका मकसद ही यही हो जाए कि मुझे जमीन के अंदर सैर व तफरीह करनी है। लेकिन कुरान पाक इसका मकसद भी बताता है कि ये एक जरिया है हक तक पहुंचने का, ये एक जरिया है इंसान के लिए दलील को अख्ज करने का। वो क्या है, तारीखी दलील देकर कुरान पाक मुतवज्जह कर रहा है कि इनसे कह दीजिए जमीन पर, जमीन में चल फिर कर देखो, सुम्मन्जुरू, फिर जरा देख लो, कैफ कान आकिबतुल मुकज्जिबीन, झुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ, झुटलाने वालों की दुनिया के अंदर इस वक्त की सूरत हाल क्या है, उनके खंडरात आप देख सकते हैं, उनकी जो टूटी हुई जगहें हैं उनको आप देख सकते हैं, वो निशाने इबरत बनी हुई हैं, वो आपके लिए दलील का काम कर सकती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से मुशरिकीन मक्का को बार बार याद दिलाया। और कुरान पाक के जो मजामीन हमारे सामने हैं, इसके बाद जो कुरान पाक बयान करता है सूरतुल आराफ से उसका आगाज होगा, वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा किया है कौम आद का, कौम समूद का, कौम मदियन का, इसी तरह से दीगर अकवाम का, दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी कौमें रही हैं और जिनको अरब लोग पहचानते थे, जानते थे, उनकी बस्तियों से वो गुजरा करते थे, उन सबको तफसील के साथ कुरान पाक ने याद दिलाया है। और मकसद क्या था कि देखा जाए कि उन लोगों का अंजाम क्या हुआ जिन्होंने तकजीब की। तकजीब किस चीज की, उन लोगों ने तौहीद की तकजीब की, इसके साथ अल्लाह तबारक व तआला के साथ उन्होंने दूसरे शुरका को ठहरा रखा था, नबुवत और रिसालत की उन्होंने तकजीब की, अंबिया की तकजीब की, हक की तकजीब की। तो जिन जिन लोगों ने तकजीब वाला रवैया इख्तियार किया, कुरान पाक उनके अंजाम को देखने की बात कर रहा है कि उनके अंजाम से भी आप सबक हासिल कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हवाले से हमारे सामने एक अहम तरीन तर्ज अमल रखते हैं, और आपकी ये सुन्नत है गोया के अमली सुन्नत, कि जब भी इंसान किसी हलाक शुदा कौम के पास से गुजरे, उनकी बस्ती से गुजरे, तो वहां सैरो तफरीह मकसूद ना हो, वहां इंसान इस नीयत से ना जाए कि बस मुझे वहां सैर करनी है, तफरी करनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे तबूक के मौके पर जब कौम सालेह के खंडरात के पास से गुजर रहे थे, सहाबाए किराम आपके साथ मौजूद थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सहाबाए किराम से ये बयान फरमाया कि यहां कौम सालेह थी, यहां उनके खंडरात हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी निशानदेही भी फरमाई, लेकिन साथ में ये चीज भी इरशाद फरमाई कि इस बस्ती से जल्दी गुजरने की कोशिश करो, ये मनहूस बस्ती है, यहां अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है, ऐसी बस्ती के अंदर सिर्फ सैर व तफरी के लिए रुकना, वहां कयाम करना, ये नबवी तरीके के बरखिलाफ है। हाँ, कुरान के हुक्म के मुताबिक वहां जरूर इंसान जाए और इबरत हासिल करे, लेकिन वहां कयाम की नीयत ना हो बल्कि इबरत हासिल करने की नीयत हो। कुरान पाक इस हवाले से मुशरिकीन को, मुनकिरीन हक को ये बात बता देता है कि आप जरा चल फिर कर देख लो, आसपास की बस्तियों में देख लो, फिर आप देख लो, कैफ कान आकिबतुल मुकज्जिबीन, इन झुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ।
एक तो यहां मुतवज्जह किया गया उनके अंजाम की जानिब, लेकिन दूसरी तरफ ये एक धमकी भी है मुनकिरीन हक के लिए कि देखो जैसा अंजाम उन लोगों का हुआ है वैसा ही तुम्हारा भी हो सकता है, जैसे वो अजाब की मुस्तहिक करार पाई तुम भी अजाब की मुस्तहिक करार पा सकती हो। लिहाजा अभी संभल जाओ, वापस आ जाओ, अल्लाह के दलाइल को समझ लो, कुरान को समझ लो, रसूल की रिसालत को मान लो, तस्लीम कर लो। लिहाजा मुकज्जिबीन का, झुटलाने वालों का अंजाम वो इंसान के सामने इसलिए होना चाहिए ताकि कहीं हमारा भी अंजाम वही ना हो जाए। उसके बाद कुरान पाक मुतवज्जह करता है कायनात की जानिब, कायनाती हकायक की जानिब, तौहीद के दलाइल दिए जा रहे हैं। कुल लिमम्मा फिस समावाति वल अर्द, आप इनसे जरा एक सवाल कीजिए। मुशरिकीन भी मानते थे, वो भी तस्लीम करते थे कि जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीन में है, उसका खालिक अल्लाह है, उसका मालिक अल्लाह है, वो सब अल्लाह ने पैदा किया है। वही सवाल, वही लॉजिक उनको दिया जा रहा है। कुल आप इनसे कह दीजिए, लिमन किसका है, माफिस समावादी जो कुछ आसमानों में है, वल अर्दी और जो कुछ जमीन में है। यहां जो सवाल किया जा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से मकामात पर इस तरह का उसलूब इख्तियार किया है कि सवाल किया और उसके बाद फौरन उसका जवाब भी दिया, जैसे कि यहां पर जवाब दिया जा रहा है कुल लिल्लाह, आप कह दीजिए ये सब अल्लाह का है, अल्लाह की मिल्कियत है, अल्लाह ही उसका खालिक है, अल्लाह ही उसका मालिक है। कुल लिल्लाह, बता दीजिए ये सब अल्लाह का है। सवालो जवाब का ये उसलूब, ये भी एक अहम उसलूब है कुरान पाक का, जहां सवाल के फौरन बाद खुद ही जवाब दिया जाए। ये अक्सर ऐसे मकामात पर किया गया है जहां ऐसा सवाल किया गया हो जहां मुनकिर के लिए कोई भी इनकार की गुंजाइश ना हो, गोया कि एक मुसल्लमा हकीकत के मुतालिक सवाल किया जा रहा है, एक मुसल्लमा हकीकत को मुनकिर के सामने पेश किया जा रहा है और उसका जवाब खुद ही इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि मुनकिर के सामने भी उसका वही जवाब है जो अल्लाह तबारक व ताला यहां पर दे रहा है। क्योंकि मुशरिकीन के हवाले से खुद कुरान पाक तफसील से बयान करता है, अगर आप उनसे पूछेंगे कि आसमानों का और जमीन का खालिक कौन है, लयकूलुल्लाह, वो जरूर भी जरूर यही बात कहेंगे कि इनका खालिक तो अल्लाह ही है। लेकिन इसके बावजूद खल्क में वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते हैं, लेकिन हाकिमियत में अल्लाह के साथ दूसरों की इबादत करने में वो दूसरों को शरीक ठहराते हैं, रुबूबियत में शरीक ठहराते हैं, अल्लाह की अस्मा और सिफात में वो शरीक ठहराते हैं और दूसरी तमाम चीजों में वो शरीक ठहराते हैं। लिहाजा यहां सवाल करने के बाद खुद ही अल्लाह तबारक व तआला जवाब भी दे रहा है कि कुल लिल्लाह, आप बता दीजिए ये सब अल्लाह ही का है, जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीन में है। लिहाजा जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है जब अल्लाह ही का है, अल्लाह ही को पूरा इख्तियार है, अल्लाह ही पूरा कंट्रोल किए हुए है, अल्लाह ही दुनिया के अंदर हाकिम मुतलक भी है, अल्लाह तबारक व ताला ही पूरी दुनिया का खालिक होने के साथ साथ मालिक भी है, उसी के पास नफ और नुकसान के इख्तियारात हैं। लिहाजा जब वही सब कुछ है, उसी को इंसान के सामने शरीयत भेजने का भी हक है, उसी को यह हक है कि इंसान के लिए हिदायत का भी इंतजाम करे, उसी को यह हक है कि वो जिसको चाहे रिसालत के लिए मुंतखब करे, नबुवत के लिए मुंतखब करे। उसके बाद कुरान पाक यहां एक अहम तरीन उसूल बयान कर रहा है, कतब अला नफ्सिहि रहमा। मुकज्जिबीन तकजीब कर रहे हैं, झुठलाने वाले झुठला रहे हैं, इनकार करने वाले इनकार कर रहे हैं, बगावत करने वाले बगावत कर रहे हैं, नाफरमानियां करने वाले दुनिया के अंदर नाफरमानियों पर नाफरमानियां करते चले जा रहे हैं, लेकिन उनकी फौरन पकड़ क्यों नहीं होती है। दुनिया में जुल्म है, दुनिया में दूसरों के साथ ज्यादती है, किसी को कत्ल किया जाता है, किसी के साथ ज्यादती की जाती है, किसी का हक दबाया जाता है, रसूलों की तकजीब की जाती है,
जाती है, उनको परेशान किया जाता है। अल्लाह के बंदों को, औलिया अल्लाह को दुनिया के अंदर इतना परेशान किया जाता है कि उसकी वजह से इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं, लेकिन इसके बावजूद उनकी पकड़ क्यों नहीं होती है, इसकी क्या वजह है? कतब अला नफ्सिहि रहमा, अल्लाह ने अपने आप के लिए रहमत को लिख दिया है। रहमत का कानून ये गालिब है, अल्लाह तबारक व ताला रहीम है, रहमान है, उसने रहमत को लिख दिया है। ये रहमत, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व ताला इंसान को दुनिया के अंदर ढील दे रहा है, अभी संभल जाओ। अल्लाह रहमानियत के साथ दुनिया के अंदर जो भी कुछ कर रहा है, इंसान कहीं ये ना समझे कि अल्लाह तबारक व ताला मुझसे गाफिल है। अल्लाह रहीम है, अल्लाह तबारक व ताला इंसान को मोहलत अमल दे रहा है कि अभी आपको पलटने का, वापस आने का मौका है, तौबा करने का मौका है। तो कतब अला नफ्सिहि रहमा, अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया के अंदर रहमत को अपने लिए लिख दिया है। और रहमत ही का फिर तकाजा एक अहम तरीन यह है कि कयामत का भी जुहूर होना चाहिए, कयामत आनी चाहिए, क्योंकि ये नामुमकिन है, ना इंसाफी है और खिलाफ फितरत है, खिलाफ अकल है और लॉजिक के बरखिलाफ है कि इंसान दुनिया के अंदर ज्यादती पर ज्यादती करता चला जाए। एक माँ उसके बेटे को अगर कोई कत्ल करता है, वो दुनिया की तमाम अदालतों के दरवाजे खटखटाने के बाद इसको ये जवाब मिलता है, हमें तुम्हारे बच्चे का कातिल नहीं मिल पाया। एक मुल्क है, एक कंट्री है, उस पर दूसरी कंट्री हमला करती है। दुनिया के अंदर एक कौम है, वो दूसरी कौम पर हमला आवर होती है, कौन उसको बदला देगा, कौन उससे हिसाब चुकाएगा? एक दिन जरूर भी जरूर ऐसा होना चाहिए जहां हर इंसान को उसके किए का बदला मिलेगा। कतब अला नफ्सिहि रहमा, अल्लाह ने रहमत को अपने लिए लिख दिया है। ये चीज अल्लाह के कानून में है कि वो रहीम है, लिहाजा रहमानियत का तकाजा यह है, रहमत का यह तकाजा है कि कयामत जरूर भी जरूर बरपा होनी चाहिए, उसका जुहूर जरूर भी जरूर होना चाहिए। इसलिए किसी को भी ये नहीं समझना चाहिए कि नाउज़ुबिल्लाह हम दुनिया के अंदर जो चाहें कर सकते हैं, आखिरत कहीं नहीं है और हश्र व नश्र कुछ नहीं है, हिसाब व किताब कुछ नहीं है। कतब अला नफ्सिहि रहमा, अल्लाह ने रहमत को अपने लिए लिख दिया है। और इस सिलसिले में जो रिवायात हैं वो मौजूद हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने लिए ये कानून लिख दिया है कि गलबत रहमती गज़बी, मेरी रहमत वो मेरे गजब पर गालिब है। और ये अल्लाह का एक कानून है, अल्लाह तबारक व ताला दुनिया के अंदर मोहलत अमल भी दे रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह की रहमत का बुनियादी तकाजा क्या है उसको अगले अल्फाज में बयान किया जा रहा है। लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फी, ला जरूर भी जरूर, ला में ताकीद बहुत ही मुअक्कद अंदाज से इसको बयान किया जा रहा है। लयजमअन्नकुम, अल्लाह तबारक व ताला जरूर भी जरूर तुम सबको जमा करेगा, इला यौमिल क़ियामा, तुमको समेट समेट कर पहुंचाएगा, इला यौमिल क़ियामा, यौम क़ियामत तक, ला रैब फी, जिसके बारे में कोई शक व शुबा नहीं है, जिसमें रैब व तजब्जुब की कोई गुंजाइश नहीं है। और इसी आयत को, इसी मजमून को सूरतुन निसा आयत नंबर 87 में यूं बयान किया गया है कि तौहीद का तकाजा यह है, अल्लाह की उलूहियत का तकाजा यह है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फी वमन असदकु मिन अल्लाहि हदीसा। अल्लाह वो इस पर कादिर है कि कयामत को बरपा कर सकता है, लिहाजा उसकी रहमत का एक बुनियादी तकाजा यह है कि जरूर भी जरूर कयामत आनी चाहिए जहां इंसान को उसके किए का बदला मिलेगा। और यहां पर एक अहम तरीन हकीकत गोया कि यह बयान की जा रही है कि रसूलों की अगर तकजीब की जा रही है, खास तौर पर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोग तकजीब कर रहे हैं, लेकिन एक दिन जरूर भी जरूर आएगा। यहां धमकी भी है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और सहाबाए किराम
तमाम के लिए और कयामत तक आने वाले तमाम अहले हक के लिए तसल्ली का सामान भी है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जरूर भी जरूर एक दिन आएगा जहां इन मुकज्जिबीन को, इन झुटलाने वालों को, इन परेशान करने वालों को उनका बदला दिया जाएगा। लयजमअन्नकुम, अल्लाह जमा करेगा, समेट समेट कर लाएगा, इला यौमिल कियामा, कयामत के दिन के लिए, ला रैब फी, जिसमें कोई शक नहीं, जिसमें कोई रैबो तजब्जुब नहीं कर सकता है। और फिर कुरान पाक एक नतीजा भी बता रहा है, अल्लदीन खसिरू अन्फुसहुम फहुम ला युमिनून, जिन लोगों ने अपने आप को घाटे में डाल दिया। और आम तौर पर हम देखते हैं कुरान पाक में लफ्ज़ खुसरान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और खुसरान का ताल्लुक, खसीरा का ताल्लुक आमतौर पर तिजारत से होता है। कुरान पाक में जा बजा इंसानी जिंदगी को, इंसानी तर्ज अमल को तिजारत के अंदाज से पेश किया गया है और खसारा ये इंतहाई खतरनाक शक्ल है उस तिजारत की जिसका नतीजा खुसरान की शक्ल में सामने आए। कद खसिरू अनफुसहुम, जिन्होंने अपने आप को खसारे का शिकार कर दिया, नुकसान में पहुंचा दिया। फहुम ला युमिनून, उनके बारे में एक बात बताई जा रही है कि अब उनसे तौफीक भी सलब हो जाती है। बहुत से मौके ऐसे होते हैं जहां इंसान इस मरहले तक पहुंच जाता है कि फिर इंसान से तौफीक सलब हो जाती है, फिर अल्लाह की रहमत उससे दूर हो जाती है। इंसान को हर ऐसे अमल से बचना चाहिए, खास तौर पर जो नबी को परेशान करे, जो अहले हक की राह में रोड़े अड़काए और रुकावटें हायल करे, अल्लाह को चैलेंज दे और ऐसी ऐसी बातें करे जिसकी वजह से अल्लाह की रहमत उससे दूर हो जाए। यहां रहमत का तज़किरा था, यहां ये बात भी बताई जा रही है कि जो लोग अल्लाह की रहमत को ठुकरा देते हैं, फिर नतीजा इस सूरत में सामने आता है। एक तो वो खुसरान के शिकार हो जाते हैं, एक तो वो नाकामी के शिकार होते हैं और दूसरा उनके हक में ये फैसला कर दिया जाता है, फहुम ला युमिनून, वो फिर ईमान नहीं लाते हैं, उनको ईमान की तौफीक नसीब नहीं होती है। इसी मजमून को सूरतुल अनआम ही में दूसरी जगह यूं बयान किया गया है, कद खसिरल्लदीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्ला, वो लोग इंतहाई खुसरान का शिकार हो गए, घाटे का शिकार हो गए, जिन्होंने अल्लाह से मुलाकात यानी कयामत का इनकार किया, उसकी तकजीब की। हत्ता इदा जाअतहुमुस्साअतु बग्ता, यहां तक कि जब उनके पास कयामत आएगी अचानक, قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها, उस वक्त वो कफे अफसोस मलेंगे, नदामत के आंसू बहाएंगे, वो कहेंगे हाय अफसोस, हमने अपने सिलसिले में, इस दुनिया के बारे में, इस कयामत के बारे में क्या तफरीद की, कौन सी कोताहियां की। وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم, और वो अपनी पीठों पर अपने गुनाहों का बोझ उठाए हुए होंगे, الا ساء ما يزرون, और बहुत ही बुरा बोझ होगा वो जब इंसान तकजीब का, झुटलाने का और नाफरमानी का, अल्लाह की बगावत का बोझ लेकर आएगा, जुल्म और नाइंसाफी का बोझ लेकर आएगा अल्लाह के दरबार में। ये इंतहाई खुसरान वाली बात है, इंतहाई घाटे वाली बात है। उसके बाद कुरान पाक एक अहम तरीन दलील देता है, अभी तज़किरा था जगहों का, आसमान का, जमीन का, जो जो कुछ है कायनात के अंदर, उन मकामात के अंदर, वो सब का सब अल्लाह का है। अब यहां उसके बाद जो तज़किरा है, अब जमाने का तज़किरा है कि अल्लाह ही मकानात का भी, अमकिना का भी, जगहों का भी मालिक है और जमाने के अंदर भी उसी के इख्तियारात हैं। वलहू मा सकना फिल लैल वन नहार, और अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह ही की मिल्कियत है, मा सकना, जो कुछ ठहरा हुआ है, जो कुछ रुका हुआ है, जो कुछ मौजूद है, फिल लैल वन नहार, रात और दिन के अंदर। तो दुनिया के अंदर जो जमाने वजूद में आते हैं वो दिन और रात के गर्दिश से आते हैं, तो दिन और रात जो भी कुछ है जमाना, वो सब अल्लाह का बनाया हुआ है, अल्लाह ही के दस्ते कुदरत में है, अल्लाह ही के कंट्रोल में है, अल्लाह ही की मिल्कियत में है। तो पहली आयत में समावाती वल अर्ज का तज़किरा करके जगहों की जानिब, मकानों की जानिब तज़किरा किया गया कि जितनी भी जगहें हैं उनमें अल्लाह ही का कंट्रोल है, उसी की मिल्कियत है। अब यहां जमाने का तज़किरा करके ये बयान किया गया कि जो जो भी जमाना आता है, जो जो भी वक्त आता है, उसमें भी
अल्लाह ही का कंट्रोल है, उसी की मिल्कियत है। वहुवस्समीउल अलीम, अल्लाह खूब सुनने वाला है, वो चेक कर रहा है, देख रहा है और खूब मुशाहिदा भी कर रहा है कि जो कुछ मुकज्जिबीन कर रहे हैं, जो झुटला रहे हैं, उनको खूब सुन भी रहा है। अल अलीम, और उसके इल्म है, वो सब कुछ जानता है। लिहाजा किसी इंसान को परेशान होने की जरूरत नहीं। मुकज्जिबीन को भी गोया की तहदीद सुनाई जा रही है कि अल्लाह के इल्म में सब चीजें हैं, अल्लाह के यहाँ नोट है, अल्लाह खुद सुन रहा है। और यहाँ ईमान वालों को भी तसल्ली है, आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं। उसके बाद इसका नतीजा बयान किया जा रहा है कि जब सब कुछ अल्लाह का है, वही मालिक, वही खालिक, उसी का कंट्रोल, उसी का इख्तियार, लिहाजा ये कैसे हो सकता है कि उसके अलावा और किसी को वली बनाया जाए, और किसी को कारसाज समझा जाए, और किसी को नाफे और जार समझा जाए, और किसी को माबूद समझा जाए, अल्लाह के साथ और किसी को वो इख्तियारात दिए जाएं जो उसके लायक नहीं। लिहाजा कुल अगैरल्लाहि अत्तखिदु वलिया, जब आप भी मानते हो, मुसल्लम हकीकत है कि अल्लाह ही सब कुछ है, आप बता दीजिए अगैरल्लाहि अत्तखिदु, क्या अल्लाह के अलावा मैं बनाऊं, इख्तियार करूं वलियन, कोई और वली, कोई और कारसाज। वलीयुन का लफ्ज, इसमें तमाम की तमाम चीजें दाखिल होती हैं। वली कहते हैं नुसरत करने वाला, वली कहते हैं खालिक को, वली कहते हैं मालिक को, वली कहते हैं कारसाज को, काम बनाने वाले को, वली कहते हैं नफा पहुंचाने वाले को। विलायत के अंदर वो तमाम चीजें दाखिल हैं जो इंसान को जरूरत पड़ती है। तो इंसान की जरूरियात फराहम करने वाला, उसकी जुमला चीजें फराहम करने वाला, खल्क से लेकर इंतहा तक, वो सब की सब विलायत से ताल्लुक रखती हैं। लिहाजा जब वली अल्लाह ही है, वही माबूद भी हो सकता है, वही सब कुछ हो सकता है, उसी को हाकिम मुतलक भी समझा जाना चाहिए, उसी के तमाम इख्तियारात दिए जाने चाहिए। तो कुल अगैरल्लाहि अत्तखिदु वलिया, आप बता दीजिए क्या अल्लाह के अलावा मैं और किसी को वली और कारसाज बनाऊं। वो कौन है? अल्लाह का मुख्तसर तारुफ कराया जा रहा है। फातिर समावाति वल अर्द, वो आसमानों और जमीनों को अदम से वजूद में लाना है, वह लाने वाला है, वो उन्हीं का खालिक है आसमानों और जमीन का। जब वही खालिक है, वही पैदा करने वाला है, वही अदम से वजूद में लाने वाला है। इब्तिदा कुछ भी नहीं थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अदम से उन चीजों को वजूद में लाया। और जब कुरान पाक असमावाति वल अर्द कहता है, तो इससे पूरी कायनात मुराद हुआ करती है, जो कुछ उसमें है। लिहाजा उसको किसी की जरूरत नहीं है। यहां रुबूबियत की जानिब भी अब इशारा किया जा रहा है। वह हुआ युत्इमु वला युत्अम, अल्लाह खिलाता है, अल्लाह रिज़्क रसानी का काम करता है। वला युत्अम, अल्लाह को खिलाया नहीं जाता है, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है। यहां रुबूबियत की जानिब इशारा करके ये बात कही गई कि गैरुल्लाह की इबादत करना, गैरुल्लाह को कुछ समझना, ये इंसान की अक्ल के भी बिल्कुल मनाफी है। लिहाजा वह हुआ युत्इमु, वही इंसान को खिला रहा है, रब वही है, लिहाजा इबादत भी उसी की होनी चाहिए, उसी को वली समझा जाना चाहिए। कुल, आप अब बता दीजिए, अगर इन तमाम दलाइल के बावजूद ये मानने से इनकार कर रहे हैं, आप एक ऐलान जरूर कर दीजिए, इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वल मन अस्लम, आप बता दीजिए कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे पहला वो शख्स हो जाऊं, बन जाऊं, जो मुसलमान हो जाए, फर्मा बरदार हो जाए, मुती हो जाए, जो रब के सामने सरेंडर कर दे। यहां एक अहम कानून का तज़किरा किया जा रहा है कि नबी वो सबसे पहले इस बात का मुकल्लफ होता है कि वो खुद अपने आप को दावत हक के सामने पेश करे। ये दाई हक की बुनियादी जिम्मेदारी है, और जो भी कयामत तक आने वाला दाई है, उसको ये ऐलान करना है, जुबान से भी और अमली तौर पर भी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दाई दूसरों को तो हक की तरफ बुलाता रहे, लेकिन खुद उस हक से दूर रहे, अमल के एतबार से कोरा हो। कुरान पाक इस हवाले से ये कानून हमारे सामने बयान करता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहा जा रहा है, उनकी वसातत से हमसे भी कहा, उनकी वसातत से हम सबको भी यही बात कही जा रही है कि ये जो दाई हक है, उसको सबसे पहले अल्लाह के हुक्म पर खुद अमल करना चाहिए।
قل انی امرت ان اکون اول من اسلم, آپ کہہ دیجئے, آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بن جاؤں سب سے پہلا وہ شخص جو مسلمان ہو, فرما بردار ہو. ولا تکونن من المشرکین, اور شرک کرنے والوں سے میں سے مت بنیے. آج کی آیات یہیں تک اختتام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.